नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मसूद ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मसूद जो है वो भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है, पैसा लेकर टिकट देने का उन्होंने आरोप लगाया है और इसी के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मसूद ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। आरएलडी के टिकट पैसे लेकर क्यों बेचे गए, ये उन्होंने कहा है। पैसे लेकर टिकट देने का उन्होंने आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा डॉक्टर मसूद ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। डॉक्टर मसूद ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उन्होंने आरोप भी कई लगाए हैं। उन्होंने कहा पैसे लेकर टिकट दिया जाता है, ये आरोप लगाया। इसके अलावा भ्रष्टाचार का भी उन्होंने आरोप लगाया है। और हमारे साथ डॉक्टर मसूद जुड़ गए हैं। मसूद, आपने इस्तीफा क्यों दिया है, क्या रीजन है इस्तीफे का? ऐसा है, मैंने कुछ सवाल उठाए हैं और मैंने जवाब मांगा है। कार्यकर्ताओं के संगठन की इच्छा थी तो उसका जवाब मांगा। अभी इस्तीफा नहीं है, जवाब है कि अगर इसकी तक जवाब नहीं मिला तो मेरा इस्तीफा समझा जाए। अच्छा, तो अभी आपने इस्तीफा नहीं दिया है? मतलब मैंने यही कुछ सवाल उठाए हैं जी, जो नाकामी हुई है इलेक्शन में जी, तो उस सवाल का जवाब मैंने मांगा है कि किसको यहाँ बैठक है, उसमें है, जवाब दीजिए। जवाब नहीं मिलेगा तो इस्तीफा समझ लीजिए। अच्छा, क्या सवाल है आपके जो आपने मांगे हैं? वो तो लेटर तो वायरल हो गया, पहुंच गया होगा। आपके तो सवाल, आपके सवाल जो आपने मांगे हैं, जिन सवालों का जवाब आपने मांगा है, वो सवाल क्या है, एक बार वो सवाल बताइए। नहीं, वो तो आपके पास पहुंचा, नहीं वायरल तो हो गया है, नहीं पहुंचा है। मैं बताऊं क्या जी? तो सवाल यूं है, टिकट में पैसे क्यों चले, किसको किसको पैसा लेकर टिकट दी गई है? ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि पैसा लेकर टिकट दी गई है, तो किसको दी गई है टिकट पैसा लेकर? अब मैंने तो इसमें लगा दिया। और दूसरा है, गठबंधन की सीटों का ऐलान समय रहते क्यों नहीं किया गया, टिकट भी आखिरी समय पर क्यों बांटे गए? रालोद, अपना दल, आजाद समाज पार्टी तथा महान दल को क्यों अपमानित किया गया? अच्छा, मुस्लिम मुद्दों पे चुप्पी क्यों साधी? मनमाने तरीके से टिकट क्यों बांटे गए? और तय यह हुआ था कि रालोद के निशान पर 10 समाजवादी चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी के निशान पर जो है कुछ लोग लड़ेंगे पूरम में, लेकिन रालोद के निशान पर तो 10 समाजवादी के लोग लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट अपने सिंबल पर राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए नहीं दिया। चलिए चलिए, डॉक्टर मसूद आपके पास दोबारा आएंगे। और अभी हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, डॉक्टर मसूद ने कई आरोप लगाए हैं और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाना अपने आप में बहुत गंभीर है, और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं ये अपने आप में बहुत चौंकाते हैं। केवल टिकट पैसे लेकर के दिए गए इतनी बात नहीं है, इसमें कई बातें हैं उनके मुद्दों को लेकर के भी हैं, जिन मुस्लिम और दलित सेंटिमेंट्स को साधने का लगातार वो अपने गठबंधन के माध्यम से प्रयास करते रहे, उन तमाम नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। उनमें सवाल उठाए गए हैं कि कैसे सपा के टिकट पर, सपा के सिंबल पर कोई आरएलडी का व्यक्ति नहीं लड़ा। ये बात हम बार बार लगातार कहते रहे कि गठबंधन वास्तविक रूप में जमीन पर नहीं था, ये केवल एक स्वार्थपरता का गठबंधन था और इसी नाते जनता ने इस गठबंधन को नकार दिया। और ये तमाम सारे अंदर के कारण निकल करके अब सामने आ रहे हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की चिट्ठी लिखना, सार्वजनिक तौर पर खुली चिट्ठी लिखना, अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है कि ये जयंत चौधरी जी को सोचना चाहिए कि उन्होंने आज किस तरह से राजनीति को ला करके किस मुहाने पर खड़ा कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी की एक जो समृद्धशाली विरासत थी, जो एक गौरवशाली उनकी परंपरा थी, उसको ला करके वो कहां लेकर के आज चले आए हैं।
चौधरी अजीत सिंह जी जो कहा करते थे जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, आज आखिरकार उसी तरह की बातों को आज उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फिर लिख रहे हैं। इन बातों को लेकर के आज जयंत चौधरी जी को अंतर्मन में सोचना चाहिए, उनको आज विचार करना चाहिए, आज अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि ये गंभीर आरोप क्यों लगाए गए। जी चलिए आप एक बार फिर से डॉक्टर मसूद का रुख करेंगे। डॉक्टर मसूद जी, ये आपकी पार्टी में शहजाद कौन था, क्या ये फंड मैनेजमेंट का काम करते थे? मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता, मेरी एक दो मुलाकात है सुना हमने कि ठीक पहले से है वहाँ, बहुत पहले से है, बहुत पुराना है। जी अच्छा, वो करते क्या थे शहजाद, करते क्या थे इसकी जानकारी तो होगी ना आपको, आप प्रदेश अध्यक्ष थे। नहीं, कुछ नहीं, वो मुझे शहजाद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, मेरी एक तो मुलाकात है बस, एक मिनट की। मसूद जी, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उनका लेकिन आरएलडी में इंटरफेयर तो रहता था। वो थे तो खास थे, परिवार के खास थे, पुराने हैं वो, पुराने थे। और किस वजह से था उनका इंटरफेयर? जी मसूद जी, उनका इंटरफेयर आरएलडी में रहता था तो आपको ये जानकारी नहीं है कि किस वजह से उनका इंटरफेयर रहा करता था? नहीं नहीं ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये कि खास थे है ना। जी मसूद जी, क्या ये जो शहजाद हैं ये पर्दे के पीछे से पार्टी को चला रहे थे? मैंने कहा कि मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ उनके बारे में है? और मैंने कहा कि मेरी दो एक बार मुलाकात है, एक एक मिनट की बस, ये सुनते थे कि ये खास है। जी मसूद जी, आपने अगर आरएलडी को छोड़ दिया है तो आप इस चीज के बारे में खुल के बताइए कि आखिर क्या वजह है, और वो शहजाद के बारे में आप खुल के बताइए कि आखिर ये कौन थे, ये फंड मैनेजमेंट का काम करते थे क्या? शहजाद के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता मैडम है ना, मैंने कहा कि मेरी एक दो मुलाकात है, एक एक मिनट की बस है ना। पार्टी के यूं पदाधिकारी तो थे नहीं, और पार्टी के मंच पर या कहीं दिखते भी नहीं थे, तो मैं ज्यादा नहीं जानता है ना। जी तो आपने अब इस्तीफा दे दिया, ये बात पक्की है? मैंने जो बिंदु उठाए हैं तो कार्यकर्ताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों की इच्छा थी कि भाई उनको बताया जाए, तो मैंने वो पॉइंट्स रखे हैं, तो ठीक है जवाब मांगा है भाई। सवाल ये है कि जीता हुआ चुनाव कैसे क्यों हार गए, तो जीता हुआ चुनाव था, लहर थी, फिर क्यों बिगड़ गया, हम ही लोग कसूरवार हैं, इसका मतलब हमारी गलतियों से ऐसा हुआ। जी आपने जो आरोप लगाए ये वाकई बहुत गंभीर हैं, और इन आरोपों का जो है जो आपने आरोप लगाए हैं उनमें से कई सारे आरोप ये भी लगाए कि पैसे लेकर टिकट दिया जाता था और तमाम तरह के इन्होंने आरोप लगाए हैं। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बातचीत करने के लिए तमाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी लगातार बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आपने सुना राकेश जी किस तरह से मसूद जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे तमाम तरह के आरोपों के बारे में, वो बता रहे थे जो उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनको जवाब नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे, ये तय है। तो चलिए राकेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर मसूद जो हैं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसके अलावा उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी अपनी पार्टी पर लगाए हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, इसके अलावा पैसे लेकर टिकट देने का भी इन्होंने आरोप लगाया है। तमाम आरोपों के साथ इन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी बीजेपी ने घोषित किए एमएलसी प्रत्याशियों के नाम, पहले चरण में 30 प्रत्याशियों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं, जिनमें प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बाराबंकी से आनंद कुमार सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी, गोंडा से अवधेश सिंह मंजू और फैजाबाद से हरिओम पांडे का नाम, इसके अलावा महाराजगंज से सीपी चंद्र, देवरिया से रतन पाल सिंह, आजमगढ़ मऊ से अरुण कुमार यादव, इसके अलावा बलिया से रविशंकर
सिंह पप्पू, गाजियाबाद से चंचल सिंह का नाम शामिल है। और अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से केपी श्रीवास्तव, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह तोमर, झांसी जालौन ललितपुर से रमा निरंजन, इटावा फरुखाबाद से प्रांशु दत्त द्विवेदी और आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह का नाम जो है नामांकन की लिस्ट में जारी है। आपको बता दें कि ये नाम जो है प्रत्याशियों के उन्होंने जारी किए हैं बीजेपी ने, और उसमें तमाम नाम जो हैं एमएलसी प्रत्याशी के वो आपको बता रहे हैं। मेरठ गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ से धर्मेंद्र भारद्वाज का नाम शामिल है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर से वंदना मुदित वर्मा का नाम शामिल है। पहले चरण की आपको बता दें कि 21 मार्च तक पहले चरण के लिए प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो होगा, दूसरे चरण में 6 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। तो ये तमाम लिस्ट थी उन नामों की जो हमने आपको बताई, जिनका नाम जो है जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, 30 प्रत्याशियों के नाम को जारी किया गया है। गाजियाबाद में आज पुलिसकर्मियों ने होली खेली, गाने पर थिरकते हुए पुलिसकर्मी जो है पुलिस के जवान नजर आ रहे थे एक दूसरे को, इस दौरान गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दे रहे थे, होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को जवान देते हुए नजर आए। पुलिस के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ रंगोत्सव का त्यौहार मनाया और पुलिसकर्मियों ने होली खेली, खूब जमकर नाचा गाया, होली का उत्साह जमकर पुलिसकर्मियों ने मनाया, एक दूसरे रंग गुलाल लगाया। गाजियाबाद का ये पूरा आपको दिखा रहे हैं वीडियो जहां पर पुलिसकर्मी होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खूब रंग गुलाल लगा रहे हैं और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, गानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में 48 घंटे लगातार ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्यौहार मनाया। शहर के करीब सभी थानों के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने होली मनाई, साथ ही डीजे पर जमकर थिरकते नजर आए पुलिसकर्मी, डीजे की धुन पर खूब ठुमके लगाए हैं सभी ने। कानपुर के पुलिसकर्मियों ने एक साथ होली के उत्सव को मनाया और सबको रंग गुलाल लगाया, बधाइयाँ एक दूसरे को दी। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने पहले 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी होली के दौरान की और छुट्टी मिलने के बाद पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्यौहार मनाया। शहर के करीब करीब सभी थानों के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने होली का त्यौहार मनाया, साथ ही डीजे की धुन पर सभी थिरकते हुए नजर आए। अलीगढ़ में पुलिस के जवानों ने होली खेली, पिछले कुछ दिनों से होली के मौके पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी और आज पुलिसकर्मियों के जवानों ने होली मनाई है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस परिवार की होली में धूमधाम नजर आई, धूमधाम से यहां पर सभी ने मिलकर होली मनाई। पुलिस के आला अधिकारियों ने परेड ग्राउंड में जमकर होली का आनंद लिया। होली खेलने के लिए परेड ग्राउंड में फायर ब्रिगेड के टैंकर भी मंगवाए गए। इस दौरान पुलिस के जवान ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। होली खेलने के
दौरान एसपी ग्रामीण शुभम पटेल और एसपी सिटी कुलदीप सिंह भी नाचते हुए नजर आए। होली के उत्सव में सभी के सभी खुश नजर आए, सभी ने एक दूसरे को बधाई दी, रंग गुलाल उड़ाते हुए सभी ने होली खेली। और आपको बता दें कि पुलिसकर्मी जो है होली के दिन लगातार ड्यूटी पर रहते हैं और उसके बाद अगले दिन होली मनाते हैं। तो परेड ग्राउंड में इस होली का आयोजन किया गया था, होली उत्सव का, जहां पर सभी पुलिसकर्मी जो थे वो मौजूद थे, एसपी सिटी यहां पर मौजूद थे, इसके अलावा एसपी ग्रामीण जो हैं वो भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर होली का उत्सव मनाया, सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, डीजे की धुन पर सभी थिरकते हुए नाचते हुए नज़र आए। सहारनपुर के देवबंद थाने में तैनात एसएसआई इंद्रपाल सिंह की मौत से हड़कंप मच गया। थाने में इंद्रपाल सिंह होली खेल रहे थे, इस दौरान अचानक से उनका हार्ट फेल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उनकी अचानक हुई मौत से सभी में गम का माहौल हो गया। आपको बता दें कि होली खेलने के दौरान अचानक उनको जो है अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हार्ट फेल होना बताया जा रहा है उनकी मौत की वजह, और उनकी मौत से गम का माहौल बन गया। पुलिसकर्मियों में सभी के सभी बहुत दुखी हो गए, दुख का माहौल वहां पर बन गया। देवबंद थाने में तैनात थे एसएसआई इंद्रपाल सिंह और उनकी मौत से हड़कंप मच गया पुलिस विभाग में। मेरठ के थाना के ठौर में एक मंजिला मकान भरभराकर गिर गया, वहीं मकान के मलबे में 3 साल की बच्ची दब गई, जिसका दबने की वजह से बच्ची की मौत हो गई और 3 लोग इसमें दब गए जो घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने मलबे से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। इस घटना में लाखों रुपए का सामान मलबे के नीचे दबकर खराब हो गया। और आपको बता दें कि 3 साल की एक बच्ची इसमें दब गई थी और उसकी मौत हो गई। वहीं और जो लोग घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया अस्पताल में। मलबे में हालांकि 3 साल की बच्ची की दबकर मौत हो गई। मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मंजिला मकान भरभराकर गिर गया और हादसा ये हो गया, जिसमें बहुत सारा सामान का भी नुकसान हुआ है, जान का भी नुकसान हुआ है। तो जान माल का इस हादसे में नुकसान हुआ है, मेरठ की पूरी खबर है। रायबरेली में दिनदहाड़े बीमार्ट के स्टोर मैनेजर वीरेंद्र तिवारी का कार सवार 5 से 6 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वहीं बीमार्ट में काम करने वाली लड़कियों ने इस मामले में बताया कि जब बदमाशों ने अपहरण की कोशिश की थी तब उन्होंने उसका विरोध भी किया था, और जहां पर बदमाशों ने मारपीट की वहीं इस घटना के बाद ही वीमार्ट के कर्मचारी जिले में पुलिस की लाचार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वीमार्ट का जो मैनेजर है उनका अपहरण हो गया, और इसके बाद जो कर्मचारी हैं वीमार्ट के वो इस मामले में पुलिस पर, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अपहरण किया गया है मैनेजर का। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जब कर्मचारियों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो इस दौरान बदमाशों ने कर्मचारियों को भी पीटा, और ये वीडियो जो है ये सामने आया है। आप साफ देख सकते हैं किस तरह से इस वीडियो में अपहरण किया गया है। रायबरेली का ये पूरा मामला है, जहां पर वीमार्ट के स्टोर मैनेजर का अपहरण कर लिया गया, और ये पूरा मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाशों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं नजर आ रहा है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। हम जब आए साइकिल हम लॉक खोल रहे थे, बस हमारे मैनेजर जीने तक ऊपर गए, उनको घसीट ले गए और उनको मारने लगे। जब हम 2-3 स्टाफ हम लोग जितने भी थे यहाँ पे उनको छुड़ाने लगे, लेकिन हम लोग को भी धक्का दे दिए सर। सर मुश्किल से 5-5 लोग थे उसमें। और किसको ले गए हैं? हमारे सर मैनेजर एसएम वीरेंद्र तिवारी। हम जब आए 4-5-6 लोग आए थे 9:55 पर, और वीरेंद्र सर को उठा के ले गए। वीरेंद्र सर कौन हैं? स्टोर मैनेजर। किस चीज़ से आए थे वो? फोर व्हीलर से आए थे। बात हुआ था क्या? मतलब बाद में हुआ। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल इलाके में युवक का छत पर चढ़कर खुलेआम फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक पिस्टल लेकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है और ये वीडियो जो है अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक बेखौफ होकर छत पर चढ़कर फायरिंग कर रहा है, और फायरिंग का ये वीडियो जो है अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
पकड़ो कर आज होगा। फिर से शासन होगा अपना, फिर से सर पे वही, तो आज होगा। और दुश्मन तो जलेंगे ही देख कर, जब आने वाली 10 तारीख को ठाकरों का राज होगा। फिर से शासन होगा अपना, फिर से सर पे वही, तो आज होगा। और दुश्मन तो जलेंगे ही देख कर, जब आने वाली 10 तारीख को ठाकरों का राज होगा। फिर से शासन होगा अपना, फिर से बागपत के मंदिर परिसर में साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। साधु की बेरहमी से मारपीट कर हत्या की गई है और मामला जो है ये दोघट क्षेत्र के निरपुड़ा गांव के जंगल का बताया जा रहा है, जहां सुबह करने लोग पहुंचे हुए थे और यहां पर लोगों ने देखा कि साधु का शव जो है मिला, जिसके बाद लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। इस मामले में SP नीरज जादौन का कहना है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर पहुँचा, उसके साथ वो भी वहाँ पर पहुँचे और घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। साधु के शरीर पर कई सारी चोटों के गहरे निशान मिले हैं। SP नीरज जादौन की माने तो मंदिर में चढ़ावे को लेकर साधु की हत्या की आशंका उन्होंने जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में तफ्तीश लगातार पुलिस कर रही है और जानने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे दोघट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि नुरपुड़ा के जंगल में बाबा की डेड बॉडी एक मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर मॉर्चरी भेजा गया पोस्टमार्टम हेतु। घर वालों को सूचना दे दी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। पूछताछ में गांव वालों ने यह बताया कि मंदिर पर चढ़ावे को लेकर विवाद चल रहा था और संभवतः इसी कारण बाबा की हत्या की गई है। तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, शीघ्र ही घटना का खुलासा करेंगे। आज सुबह लगभग 6:30 बजे दोघट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि नुरपुड़ा अमरोहा से एक मामला सामने आया जहां 5 वर्षीय मासूम को घर का नौकर लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि बच्ची को फरार करने का पूरा वीडियो जो है वो CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि नौकर बाइक पर मासूम को लेकर फरार हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और CCTV फुटेज में ये पूरा मामला जो है कैद हो गया है, किस तरह से नौकर बाइक पर बच्चे को लेकर फरार हो रहा है। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। अमरोहा का यह पूरा मामला है जहां पर 5 साल की बच्ची को नौकर घर से लेकर फरार हो गया। शाहजहांपुर में पुवाया तहसील परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी पर जब SDM शांतनु श्रीवास्तव को इसकी जानकारी हुई तो वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग को करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा पाया। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान SDM सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौजूद रहे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर आदेश दिए हैं जांच के। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है जहां पर ये आग लग गई। रजिस्ट्री ऑफिस में भीषण आग लग गई थी और आग को बुझाने के लिए कई सारी दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। आगरा में विशाल दंगल मेला का आयोजन किया गया जिसमें पहलवानों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। दंगल देखने के लिए भारी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचे। दंगल मेला में कई राज्यों के लोग पहुंचे थे दंगल लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और कुश्ती मेला में सभी ने भाग लिया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के छाबड़ा की महिला पहलवान कुमारी संध्या और राजस्थान के राजाखेड़ा के पहलवान तपेंद्र की बीच जोरदार कुश्ती का मुकाबला हुआ। महिला और पुरुष पहलवान की कुश्ती में पहलवान तपेंद्र ने महिला पहलवान संध्या को पटकनी देकर 1500 का नगद इनाम जीता। तो वहीं दंगल मेला का आखिरी जो कुश्ती थी वो दिल्ली के पहलवान नकुल और उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के पहलवान विक्रम के बीच में हुई। दोनों पहलवानों ने रोमांचित कुश्ती लड़ी और काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को चित करते रहे और काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रही, जिसके बाद फिरोजाबाद के विक्रम पहलवान ने दिल्ली के नकुल पहलवान को पटकनी देकर चित कर दिया अखाड़े में और 11,000 की आखिरी कुश्ती जीत जो है वो अपने नाम दर्ज कर ली। हिंदुस्तान के माने हुए पत्रकार रणवीर सिंह, सेरा पहलवान।
11,000 तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो चाहे कहीं भी दंगल हो, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू है, नेशनल खेले हो? नहीं, नेशनल नहीं, मिट्टी कुछ लड़ता हूँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।